हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर दिवाली वाला स्पेशल स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह का दिवाली वाला स्पेशल स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर अभी इस तरह का जो दिवाली वाला स्टेटस है अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों, आपको इस तरह का दिवाली वाला स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आपको कैपकट प्रो ऐप और VPN ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके VPN ऐप को और कैपकट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। और दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको टर्बो VPN वाले ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ये VPN ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको VPN ऐप को कनेक्ट करना है। अब यहां से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। दोस्तों, आपको कैपकट प्रो ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, ऊपर साइड में जो प्रो लिखा हुआ है, इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये वाला जो कैपकट प्रो ऐप है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब गाइस, यहां से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। अब यहां से गाइस, आपको इसमें सबसे पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। अब यहां पर गाइस, आपको दिवाली वाली फोटो को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम यहां से 6 फोटो को इसमें सिलेक्ट करेंगे। ये वाले जो दिवाली वाले वॉलपेपर हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। अब आपको ऊपर में जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे जो वॉलपेपर हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब गाइस, जो फर्स्ट वाला जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर है, इसकी लेयर को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना है। अब इसमें गाइस, आपको सबसे पहले इसमें आईडियो को सिलेक्ट करना है, तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड आईडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का नीचे से आपको चौथे नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। ये वाली जो साउंड वाली वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट साउंड ओनली, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो इस वीडियो का साउंड है हमारे वीडियो लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जो साउंड है वो लग गया है। अब आपको ब्लैक बैकग्राउंड वाली लेयर को थोड़ा सा और बढ़ाना है, इस तरह से हम इसको बढ़ा देंगे। इस तरह से गाइस, आपको ब्लैक बैकग्राउंड वाली लेयर को 5.4 सेकंड तक बढ़ाना है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको जूम करके इस तरह से लगा लेना है। आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना है। इस तरह से हम जूम करके सभी वॉलपेपर को सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने जूम करके सभी वॉलपेपर को सेट कर लिया है। अब गाइस, आपको फर्स्ट वाले वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को 1.5 तक करना है। इस तरह से आपको इनको कम करना है। आपको सभी वॉलपेपर की लेयर को 1.5 तक करना है। अब देख सकते हैं गाइस, मैंने सभी वॉलपेपर की लेयर को 1.5 पर सेट कर दिया है। अब ये जो लास्ट वाला वॉलपेपर है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब गाइस, यहाँ से आपको टेस्ट पर जाना है। यहाँ से आपको ऐड टेस्ट पर जाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे विश यू तरह से हमें यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको नीचे जाना है।
यहाँ से गाइस आपको इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको स्टाइल पर जाना है। अब गाइस ये जो बीसीयू लिखा है इसके लेटर को इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम फर्स्ट लेटर को इसमें सिलेक्ट करेंगे। जिस भी लेटर के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं इस तरह से आपको उस लेटर को सिलेक्ट करना है। पीछे में आपको कलर वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली लेटर में हम रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब गाइस हम जो यू लिखा है इसमें भी हम एक लेटर में कलर को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम येलो कलर को इसमें सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ से आपको एमिनेशन पर जाना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है। यहाँ से गाइस आपको इस वाले एमिनेशन को सिलेक्ट करना है। अब आपको गाइस नीचे में जो लाइन मिल रही है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना, इस तरह से आपको 1.5 तक बनाना है। यहाँ से आपको आउट वाले ऑप्शन पर जाना है। इस तरह से जो आउट वाले एमिनेशन हो आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको नीचे जाना है और इस वाले एमिनेशन को आपको सिलेक्ट करना है और इसकी लाइन को भी आपको इस तरह से थोड़ा सा इसमें टच कर देना है। इस तरह से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे लेटर में इस तरह से एमिनेशन लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा देंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस लेयर की जो डुप्लीकेट लेयर है बन जाएगी। अब आपको जो ये सेकंड वाली लेयर है इसको आपको इस लेयर के पीछे साइड में ले, इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है और पीछे साइड में ले जाना है। और गाइस जो फर्स्ट वाली लेयर है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से। अब ये जो सेकंड वाली लेयर है इसको भी आपको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना। तो हमारी वीडियो इस तरह सेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस जो सेकंड वाली लेयर है टेस्ट वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का स्टाइल पर जाना है। यहाँ से जो ये बेसिक लिखा है यहाँ पर आपको लिखना है हैप्पी दिवाली। इस तरह से हम लिख देंगे और इसके कलर को भी आपको चेंज करना है। इस तरह से आपको टेस्ट को पूरा इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का स्टाइल पर जाना है। यहाँ से आपको इसमें व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। अब हम इस तरह से फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से गाइस हम फर्स्ट लेटर को इसमें भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट है इस तरह सेट हो जाएगा। ऐसे जो फर्स्ट वाला वॉलपेपर है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एमिनेशन वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको जो फर्स्ट में इफेक्ट मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से हमारा जो इफेक्ट लग जाएगा, राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस इस तरह से आपको उसी वाले इफेक्ट को सभी वॉलपेपर में लगाना है। तो हम सेकंड वाले वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने का एमिनेशन पर जाना है। यहाँ से आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर जाना है, फर्स्ट वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से गाइस आपको सभी वॉलपेपर में उसी वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करते जाना है। इस तरह से हम सभी वॉलपेपर में इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। जहाँ से गाइस हमारे जो ये वॉलपेपर आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर आपको आना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का वीडियो इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है नाइट क्लब वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो आपको व्हाइट फ्लैश वाला जो इफेक्ट मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से जो एक ग्लो वाला ऑप्शन है इसको आपको जीरो पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको कम कर देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब गाइस ये जो फाइट फ्लैश वाला इफेक्ट है आपको इसकी लेयर को बढ़ाना है, इस तरह से हम लेयर को बढ़ा देंगे, आपको एंड तक ले जाना है इस तरह से। तो गाइस हमारे जो वीडियो है पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है, अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग दिवाली स्पेशल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।